हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एंट्री मैं बनाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। जीजल फिर से अकेली उस कमरे में बैठी सोचने लगती है। गाइस, यहां पे मैंने तीन सीन लेके रखा हूं। जो दूसरा जो सीन है ये है, काश वो बौना राक्षस फिर से मेरी मदद करने आ जाए। और जो तीसरा जो यहाँ पे जो एफएलए मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे होता क्या है पहले मैं आपको करेक्टर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो ये राक्षस है, जो यहाँ पे बौना राक्षस है, ये वहाँ पे प्रकट होता है। किस तरह वहाँ पे प्रकट होता है, यानी कि वहाँ पे कैसा आएगा वो मैं कंपाइलिंग में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो ये लड़की ये जीजल है, ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मैं कंपाइलिंग करूंगा, बताऊंगा आपको किस तरह मैं ये डायलॉग के साथ यहाँ पे काम करूंगा। अगर गाइस आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी मोरर स्टोरी बर्ड टाइप का स्टोरी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करेक्टरमेशन वाले वीडियो देखना है और करेक्टरमेशन सीखना है। यहाँ पे मैं 50 से ज्यादा करेक्टरमेशन पे वीडियो ला चुका हूं। और उसके बाद आपको कंपाइलिंग वाले वीडियो देखना, यानी कि स्टेजिंग सीखना। स्टेजिंग पे मैं 100 से ज्यादा वीडियो ला चुका हूं। आपको बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना है। तो किस तरह मैं यहां पे काम करूंगा आपने ये वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा अगर आप नए हो। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरा टॉपिक आज का यही है, मुझे ये जो तीनों करेक्टर इसको यूज करना है और मुझे एक यहाँ पे विदाउट वॉइस के मुझे एनिमेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं फर्स्ट वाले सीन पे आया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपको पता नहीं कि यहाँ पे वॉइस ओवर मैं कैसे लाया हूँ, कैसे इस वॉइस ओवर को लाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे तो पहले से वॉइस ओवर है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या होता है। आप जो ये वॉइस ओवर वे फॉर्मेट रहता है, वे फॉर्मेट आपको सीधा बाहर से पकड़ के अंदर लाओगे तो सीधा यहाँ पे आ जाता है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ, MP3 आता नहीं, वे फॉर्मेट आता है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको इसके अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपको लगेगा ये बीजी कौन बनाता है, बीजी करेक्टर जो करेक्टर डिजाइन करते हैं वैसे ही बैकग्राउंड बनाने वाले अलग रहते हैं। ग्राफिक डिजाइनर जो करेक्टर डिजाइन करते हैं वो भी बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं, तो ये वो बनाते हैं। अगर आप बोलोगे बीजी बनाना सिखाओ, वो 10K के बाद आएगा, 10K के बाद प्रॉपर क्लास आएगी जो फोटोशॉप की। तो गाइज नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास बीजी है और मैं इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे मुझे सीन के अंदर जाना है, जो ये सीन है ना इसके अंदर मुझे काम करना है। पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर पेस्टिंग प्लेस करता हूँ, जो बाहर जो वॉइस ओवर है उसको मैंने अंदर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप पूरा देखना किस तरह मैं कंपाइलिंग करूँगा। अगर आप नए हो तो आपको समझ आएगा किस तरह मुझे शॉर्ट बनाना है, सीन बनाना है एक एक करके। ये स्टोरी का एक छोटा सा सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर लेके रखा हूँ और ये जो बीजी है इन दोनों को मैं एक बना सकता हूँ। ये दो लेयर जो है यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे जो आग जल रही है ये छोटा सा यहाँ पे इफेक्ट है, मैं यहाँ से इसको बंद करके रखता हूँ। ये छोटा फिर से अकेले, ठीक है, वॉइस ओवर बंद करके रखता हूँ। ये छोटा सा इफेक्ट है, ये जो फायर इफेक्ट है ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पे दिया हूँ, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करो। बहुत सारे इफेक्ट दिया हूँ, फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो ये इफेक्ट है इसके लिए जो ये छोटा सा मैंने ये बनाया ना, यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा, ये छोटा सा यहाँ पे इसका इफेक्ट बनाया शेप ट्विन से, ठीक है। तो ये जो छोटा सा इफेक्ट है इसके लिए ये लेयर अलग है, आप चाहो तो मतलब मैं चाहूँ तो अगर इसको अंदर भी रख सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। बाकी मैंने टेस्ट करने के लिए एक FLA दिया, जो कल का वीडियो जो मैंने बोला भी था कि आप एनिमेशन करो मुझे दिखाओ, वो मैं कल देखूंगा। मेरे जो टेलीग्राम पे आएगा तो वहाँ पे मैं देखूंगा उसको, जिसका बेस्ट होगा उसके साथ मैं बात करूंगा। वहाँ पे फाइल मैंने वो कल का वाला दिया, बाकी आप देख सकते हो जो कल का वीडियो उसमें मैंने फाइल दिया प्रैक्टिस करने के लिए। आप देख मुझे करके दिखा सकते हो वो एनिमेशन, वहाँ पे मैंने खाली आपको सीन मतलब प्रॉपर तरीके से वॉइस ओवर वगैरह दिया हूँ। तो अगर आप नए हो, अभी पहली बार आपने ज्वाइन किया तो पिछला वाला वीडियो देखना, वहाँ पे FLA दिया, प्रैक्टिस करके मुझे दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लगा दिया, मैं इसको इसी पे रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नया यहाँ पे एक लेयर लिया और मुझे यहाँ पे जीजल को बैठे हुए दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो मेरे पास एक्शन होता है, एक पास मेरे पास रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये रिएक्शन है, जो ये लड़की है इसका ये यहाँ पे रिएक्शन है, खाली वो हिल डुल रही है। इससे क्या होता है, हम 8 मिनट का वीडियो बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसको मैं रीयूज एनिमेशन कहता हूँ। और मैंने ऐसा वॉइस ओवर के साथ में एनिमेशन बनाना सिखाया हूँ, पुराने वीडियो देखना आपको समझ आ जाएगा। सीधा कॉमेंट करना चालू मत करना, ठीक है। और यहाँ पे ये बात कर रही है, तो मैंने क्या करना, इसको कॉपी करना। पहले इसको कॉपी करके मैं अपने वाले सीन पे आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, इस तरह का लिखा हुआ आता है, तो आपको क्या करना है, इस केस में क्या करना, बाहर आना बिल्कुल सीन पे आपको आके पेस्ट करना है, फिर वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल एक्स करके अंदर जाना है, कभी कभी प्रॉब्लम आता है ये, तो मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे इसको यहाँ से बंद करके रखूँगा ऐसा, इस तरह, ठीक है।
अगर आप नए हो, आपको लग रहा है कि ना तो मुझे लेयर के बारे में पता है, ना मुझे टूल्स के बारे में पता है, ना मुझे प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं सीधा ऊपर लेवल पे सिखा रहा हूँ, तो पहले पुराने वीडियो जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है ऊपर वाले पे, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रोल वी करने के बाद जो लड़की है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसके नीचे घास रखा ही है पहले से, तो जो ये वाला जो नीचे वाला घास है आप चाहो तो इसको हटा सकते हो या फिर मैं इसको रख भी सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको दोनों को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे दो घास के ये ना इसको हटा देना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घास है यहाँ पे। तो बाहर आया तो यहाँ पे इसके नीचे पहले से घास है, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, इस तरह मैं छोटा करता हूँ ऐसा, कंट्रोल ऑल्ट एस से, कंट्रोल ऑल्ट एस से छोटा किया मैंने यहाँ पे, इस तरह मैंने रख दिया और मामूली सा और छोटा किया इस तरह। जब गाइज आप एक यूट्यूब के लिए स्टोरी बना रहे होते हो तो सबसे पहले एक्चुअली होता है क्या, पहले स्टोरी बनता है फिर स्टोरी बोर्ड बनता है, स्टोरी बोर्ड के साथ साथ आपको पता लग जाता है कैमरा एंगल कौन सा शॉट लेना, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं हो रहा, अकेले काम करें स्टोरी बोर्ड में आप टाइम पास नहीं करोगे, सीधा आप विजुलाइज करोगे। तो मैंने एक विजुलाइज कर दिया कि मुझे यहाँ पे इसको बिठाना है, इस तरह मुझे रखना है क्योंकि स्टोरी का मेरा एक छोटा सा सीन है। तो इसके बाद यहाँ पे ये बोलता है यहाँ पे जीजल फिर से अकेली उस कमरे में बैठी होती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है, चलिए मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग शॉट ही दिखाता हूँ, या फिर थोड़ा सा इसको यहाँ पे इतना रख लेता हूँ और मैंने इस तरह ही रख लिया। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्टेजिंग में होता है कोई करेक्टर को इतना दूर मत रखना, ऐसा मत रखना, आप नॉर्मली उसको मतलब क्लोज ही रखना, ये मतलब अगर ये करेक्टर मेरा यहाँ पे तो मुझे इसको सेंटर पे रखना, मुझे यहाँ पे नहीं रखना। तो मैं अभी ये कमरे को दिखाने के चक्कर में इसको मैं पूरा दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बात कर रहा है कि जीजल कमरे में अकेली बैठी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लॉन्ग शॉट ही दिखाऊंगा और मैंने यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे एफसिस कर दिया क्योंकि इस केस में मुझे और चीज़ भी दिखानी है ना कि वो कमरे में बैठी है, वरना मैं यहाँ पे क्लोज भी दिखा सकता, इतना भी मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं पहला शॉट इस तरह ही बनाऊंगा, लॉन्ग शॉट ही बनाया। तो यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद और यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आया, इसको नीचे कर दिया इस तरह सेटिंग। अगर आप नए हो, अगर आपको लग रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्मली कैमरा स्लो फास्ट स्लो के लिए कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और नॉर्मली मैंने यहाँ पे 105 का पैनिंग कर दिया, छोटा सा पैनिंग कर दिया और 103 का और कर देता हूँ और देखना कैमरा किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इस तरफ मूव करता हूँ इस तरफ और एक बार यहाँ से देखता हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर में बंद करके रखता हूँ और यहाँ पे देखोगे मेरा जो कैमरा है यहाँ से स्लो और फास्ट चलेगा, अभी आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, जैसे एमओवी निकालूंगा तो आपको नज़र आएगा। तो मैंने इस तरह मैंने कर दिया, पहला शॉट मैंने इस तरह बना दिया, लेकिन आगे जब जो मैं गायब करूँगा ना उस चीज़ को, जो ये जो भूत है जो उसको लाऊंगा वहाँ पे, तो आपने देखना मैं किस तरह लाऊंगा। तो ये मेरा पहला शॉट बन चुका है यहाँ पे, आप चाहो तो इस वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, फिर बाहर ला सकते हो, जो बाहर रहता है ना सीन पे वही वाला वॉइस ओवर आपको सुनाई देगा आउटपुट में। अदरवाइज अगर आप नहीं रखते हो यहाँ पे सीधा रेंडर मारते हो तो वो आउटपुट में वॉइस ओवर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और मुझे पता है मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ तक रख लिया और इसको यहाँ से हटा दिया ऐसा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, मेरा इतना काम हो चुका है यहाँ पे, इतना मेरा काम हो चुका है। जीजल फिर से अकेली उस कमरे में बैठी सोचने लगती है, ठीक है, वो सोचने लगती है। अब जो मेरा अगला शॉट है, एक बार आप सुनोगे यहाँ पे डायलॉग ये है यहाँ पे, काश वो बोना राक्षस, वो बोलते हैं काश वो बोना राक्षस। अब जो मैंने जो एनिमेशन किया, करेक्टर एनिमेशन किया, यहाँ पे मैं क्या जुगाड़ लगाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे बैठ के कोई एनिमेशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो ये करेक्टर है यहाँ पे, इसको मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे काट बंद करके रखता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे डिलीट कर देगा, जो यहाँ पे आप एक्टिंग देखोगे इसका, ये एक्टिंग मेरा खड़े होके किया है। तो आप जो भी एक्टिंग आपने खड़े होके किया मुझे बैठ के दिखाना, तो मैं क्या करूँगा ज़्यादातर इसको क्लोज शॉट ही लगाऊंगा ताकि जुगाड़ से ऐसा लगे कि बैठी हुई है, क्योंकि मैंने बैठे वाले पे नहीं किया। तो मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर दिया यहाँ से और अपने वाले सीन पे आके सेकंड सीन पे, अभी मैं सेकंड सीन पे काम कर रहा हूँ। शायद मुझे अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको जो ये वॉइस ओवर है, जैसे मैं इस वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी करता हूँ पहले अंदर जाता हूँ, तो ये आपको पता लग गया सेम वही काम कर रहा हूँ जैसे पहले किया था पीछे, और मैं इसके अंदर चला गया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया वॉइस ओवर और मैंने यहाँ तक रख दिया, बाकी आगे शिफ्ट F5 कर दिया ऐसा, पीछे की तरफ कर दिया। अब मैंने जब पीछे की तरफ कर दिया तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, ये इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आया और अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक नया ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस वाले को उठाना है जो मैंने करेक्टर एनिमेशन किया ना उसको उठा देना यहाँ से, और इसको उठा दिया और उठाने के बाद मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। अगर आपको लगता है कि वो काफ़ी उसके अंदर एनिमेशन हुआ है तो आपको क्या करना, बंद करके रखना सभी सीन को ताकि वो हैवी ना हो, तो उसके बाद आपने कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद वो ईजिली पेस्ट हो जाएगी अगर उसके अंदर कितना भी एनिमेशन हो, और अगर वो बार बार वो पेस्ट नहीं हो रहा आपने क्लिक करना है तो करप्ट भी हो सकता है, फिर वो थोड़ा सा फेड फेड हो जाता है और करप्ट भी हो सकता है, तो इसके लिए मतलब आप दोबारा दोबारा क्लिक मत करना। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके बाद इसको ऑन कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये जो लड़की है मेरे को लगभग ये यहाँ पे दिखाना तो मुझे बैठी हुई, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ये तो नज़र आने वाला नहीं है, मैंने इसको हटा देना
वाले लेयर को, है ना, यहाँ से आप लेयर को डिलीट ही कर सकते हो। पहली बात है मुझे इसको, मैंने इसको बैठे हुए नहीं बनाया, मतलब एनिमेशन नहीं किया बात करने वाला, तो क्या मैं क्या करूँगा, पहले क्लोज शॉट लगाऊंगा यहाँ पे, इसको 150 बड़ा कर दूंगा, 150 और बड़ा कर दूंगा, पहले इसको यहाँ पे सेंटर पे लाऊंगा, जितना अपना स्टेज है उतना नजर आएगा यहाँ पे, इतना मैंने कर दिया। और यहाँ पे पहले करेक्टर को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये करेक्टर है और ये लगभग मेरे को मुझे लगेगा कितना मेरी बैठी हुई करेक्टर दिखेगी, लगभग इतनी सी, ठीक है। और जो पीछे बीजी है इसको ही मुझे थोड़ा बड़ा कर देना, 115 कर दिया मैंने, और 115 और कर दिया, और मैंने यहाँ पे इतना रख लिया लगभग, अभी देखोगे मैं नीचे रखूँगा तो इतना रखूँगा, और यहाँ पे लगना चाहिए कि ये इस पर बैठी है, तो मैं लगभग ये इसको इतना रखूँगा ऐसा, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया ऐसा, और यहाँ पे मेरा जो आउटपुट में कितना आउटपुट में यहाँ पे नज़र आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा अभी आउटपुट में यहाँ पे इतना सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे इतना सा, अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा बीजी को नीचे करूँगा तो इतना कर सकता हूँ, यहाँ पे लगभग मैं इतना सा कर सकता हूँ, तो मैंने इतना सा कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये क्लोज शॉट आ गया। इससे पहले जो मेरा पहला शॉट था, पहला शॉट आप देखोगे लॉन्ग शॉट है, तो जो क्लोज शॉट आएगा थोड़ा सा यहाँ पे पीछे देखोगे जो घास है पीछे रखा वो भी इसके साथ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जब क्लोज शॉट दिया तो थोड़ा सा मैं इस वाले घास को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इस तरफ ऐसा, ठीक है। ये इतना दिख रहा है, इतना मेरा चलेगा। अगर मैं काफ़ी ऊपर करूँगा ना इसको बीजी को तो काफ़ी ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, जैसे मैं इसको इतना करूँगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कैमरा बिल्कुल अजीब सा लगा है, तो मैं इसको नीचे करूँगा क्योंकि 2D है, थोड़ा इतना रखूँगा, इतना मेरा सेट है। तो यहाँ पे ना तो ऊपर अटैच है ज़्यादा, ना इस तरह पे करेक्टर बिल्कुल सेंटर पे है ना, तो इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सुनोगे आप डायलॉग, काश वो बोना राक्षस फिर से मेरी मदद करने आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह कर रहा है, फिर से मेरी मदद करने आ जाए, तो यहाँ पे आप पैनिंग कर सकते हो छोटा सा, तो मैंने यहाँ पे भी पैनिंग कर दिया, वहाँ पे भी मैंने पैनिंग किया था पहले, पर ज़्यादा बड़ा पैनिंग मत करना, वहाँ से वैसे भी छोटा सा पैनिंग किया था, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया वापस, और यहाँ पे इसको क्लिक किया ब्लैक ब्लैक में, और इसको नीचे कर दिया, और ये ब्लैक ब्लैक सा बना रहता है, इस पर क्लिक कर देना तो ऊपर कर देना ऐसा, तो ऐसा हो चुका है, और यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर दिया ऐसा, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, लाइक मैंने इसको 110 कर दिया एग्जांपल के लिए, मैंने इसको 110 किया, और थोड़ा देखोगे इस तरह भाग गया, और मुझे इसको सेंटर पे रखना ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा सेंटर पे रख दिया, और मैं यहाँ से वॉइस ओवर बंद करके रखूँगा ताकि ज़्यादा इरीटेट ना हो। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये सामने की तरफ यूँ आ रहा है, अभी भी देखोगे बीजी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह क्लिक उसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह मूव किया, और एक बार देख लूँगा किस तरह यहाँ पे आ रहा है, अभी सामने की तरफ आ रहा है। गाइज मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नॉर्मली कंपाइलिंग स्टेजिंग हमेशा मैं बताता रहता हूँ, और करेक्टर एनिमेशन में 50 से ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ देखने से एनिमेशन नहीं आता है, मैं आपको बस उतना बना रहा हूँ कि आप एक जॉब कर सको या फिर यूट्यूब के लिए कॉन्टेंट बना सको, धीरे धीरे आप परफेक्ट खुद बनोगे। तो यहाँ पे मैंने देखोगे तो इतना मैंने कर दिया, तो ये छोटा सा पैनिंग यहाँ पे दे दिया ऐसा। अब मुझे यही वॉइस ओवर करके जो ये पूरा का पूरा वॉइस है इसको बाल लगाना है, लेकिन मेरे बार ऑलरेडी मेरे पास वॉइस है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे नॉर्मली ये यहाँ पे इतना मैं काट के रखूँगा क्योंकि अंदर थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये आएगा यहाँ पे, तो ये इतना खत्म है यहाँ पे। तो आप एक बार यहाँ पे सुनो, काश वो बोना राक्षस फिर से मेरी मदद करने आ जाए, थोड़ा सा अटक रहा है, बाद में यहाँ पे एमओवी निकालूंगा आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो ये मैंने इतना कर दिया, तो ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, पहले लॉन्ग शॉट था फिर दूसरा क्लोज शॉट है। अभी जो देख अगला वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे है कि लॉन्ग शॉट में यहाँ पे जो बोना राक्षस यहाँ पे आता है, तो अब मुझे क्या करना, पहले तो मुझे रिएक्शन ही चाहिए, रिएक्शन में इसी वाले को पहले कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में अपने वाले इस वाले सीन पे। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो राइटर ने ना नॉर्मल हमेशा नरेशन ही दिया होता, आपको एनिमेशन भी करना होता है बीच में, तो आपने क्या करना, पहले तो मेरे पास ये ऑलरेडी विदाउट वॉइस के ये, तो मैंने इसको पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको एफेट करके एक बार एफेट कर देता हूँ, इसके अंदर जाके काम करता हूँ, इसके अंदर जाके काम करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे ये पहले से वैसे एफेट ही था, मतलब मुझे ये दोनों को जो दो सिंबल थे ना इसके अंदर, यहाँ पे बताऊँगा आपको, जैसे ये दो सिंबल था, एक ये भी था लाइट वाला, तो इसको मुझे एफेट करना था, तो ठीक है इतना काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो चुका है। इसको मैंने F5 कर दिया आगे, शिफ्ट F5 से पीछे होता है और F5 से आगे होता है, तो इतना कर दिया। और यहाँ पे मुझे वो लड़की को पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, अगर वो लड़की यहाँ पे पेस्ट नहीं हुई तो मुझे उसको बाहर ही करना, क्योंकि पहले भी वो पेस्ट नहीं हुई थी पर अभी हो रहा है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है जब सॉफ्टवेयर। तो अभी ये इसके नीचे घास है, जैसे मैंने पीछे किया था, मुझे एग्जैक्ट वहीं पर बिठाना है, तो मैंने क्या करना, जो ये घास का है इसके अंदर चला गया प्रॉपर, और इसके अंदर जाने के बाद ये नीचे वाली लेयर है घास की, तो ये मैंने ये वाला हटा दिया, ये दोनों को दोनों हटा दिए। अब मैं इसको हटाने के बाद यहाँ पे आया, पीछे आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ पे आया इसको कंट्रोल और टेस्ट, इसको मैंने 182 कर दिया और छोटा कर दिया, यहाँ पे कितना छोटा करना, जितना मेरा पीछे था, और मैंने वहीं रखना जहाँ पे है। एक बार आप पीछे सीन देख भी सकते हो कि कहाँ पे कितना है, तो ये यहाँ पे देखोगे हाइट इसका इतना है, यहाँ पे इतना सा दिख रहा है, तो मैं अपने वाले सीन पे आ गया, तो इसका देखोगे हाइट बहुत कम है, यहाँ से इसको बंद करके रखना और थोड़ा नज़दीक चला गया, थोड़ा इतना रखूँगा, और यहाँ पे देखोगे थोड़ा हाइट ज़्यादा है, कंट्रोल और टेस्ट किया, थोड़ा बड़ा कर दिया कंट्रोल और टेस्ट, तो इस तरह मैंने इसको बड़ा कर दिया ऐसा, ठीक है।
ऐसा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। लगभग ये इतना है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। बट यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो भूत को मैं यहाँ पे कैसे लाऊंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट भी लेके रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे इफेक्ट वाला है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ काम करने वाला, इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो में छोटी छोटी बातें होती है जो सीखने लायक होती है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल इसको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे तो ये बात कर रहा है, मुझे इसको बात करते हुए नहीं दिखाना, नॉर्मल भी दिखा सकते हो। तो अभी मुझे कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पे सीन टू पे आ गया और सीन सॉरी थ्री पे आ गया, और यहाँ पे मैंने सबको बंद करके रखो और इसको पेस्ट कर दो ताकि इजिली वो पेस्ट हो। अगर इसके अंदर बहुत सारा एनिमेशन होना तो इजिली वो पेस्ट हो। और नीचे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसा। इसके अंदर देखोगे ना, जो इसके अंदर एनिमेशन हुआ यहाँ पे देखोगे, ये इतना सारा यहाँ पे एनिमेशन हुआ ऐसा, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे एनिमेशन हुआ ये, इसके बाद ये बात कर रहा है ऐसा। तो मैंने क्या करना, मैं पीछे आऊँगा और पीछे आने के बाद मैंने नॉर्मली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, और यहाँ पे मैंने पेस्ट तो कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे रखना, ये यहाँ पे आ जाता है, प्रकट हो जाता है इसके सामने ऐसा। तो जब ये प्रकट होता है तो ये सीधा प्रकट नहीं होता है, पहले क्या होता है यहाँ से कुछ लाइट आती है। मेरा ये मतलब विजुलाइज मैंने ऐसा किया, मैंने स्टोरी में बनाया था। तो मैंने इसको उठा के पहले आगे रख लेना थोड़ा, मैंने इसको आगे रख लिया उठा के, थोड़ा सा इतना उठा दिया। तो पहले क्या होगा, यहाँ से वो लाइट आएगी ऊपर से, तो वो लाइट के लिए मैंने एक नया ले लिया। और यहाँ पे जो ये इफेक्ट बनाया मैंने ये वाला, आप इसको देखोगे ये थोड़ा सा इफेक्ट है यहाँ पे, तो इसको मैंने कॉपी कर लेना इफेक्ट का। मैंने जितना भी है, चाहे वाटर इफेक्ट है, स्मोक इफेक्ट है, वो उसका मैंने टेलीग्राम पे लिंक दिया, लिंक करके वहाँ पे मैंने शायद एफएलए डाला हूँ, तो वो एफएलए को डाउनलोड करना, उसके अंदर सारे के सारे इफेक्ट है, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको देता है, अगर देता है तो इन्जॉय कीजिए वन लाइफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया ना, जो यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मुझे ये लाइट को यहाँ से दिखाना आते हुए, तो ये लाइट एग्जांपल के लिए रख लो, मैं यहाँ से ये लाइट नीचे तक यूँ आ गई ऐसी। अब ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि इस तरह ये लाइट ऊपर से नीचे आएगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको बंद करके रखूँगा, इनको बंद कर दूँगा और इसको बंद कर दूँगा, तो ये लाइट यहाँ पे आपको दिखेगी इस तरह। ये लाइट यहाँ पे अगर मैं पूरा बंद करूँगा ना तो पूरा ही बंद हो जाएगी, मतलब ये एक्चुअली में ये वाइट वाइट है ना, तो इसको पीछे नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो लाइट है ना इस तरफ ऐसा आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना, यहाँ पे मैंने एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, और मैंने यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में इसको लाइट को थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, मतलब ऐसा ये दिखाना है कि लाइट आ रही है इस टाइप की, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया और शिफ्ट के साथ, और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और ये लाइट यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे आएगी यूँ, और यहाँ पे ये लाइट आएगी, और ये लगभग ये लाइट यहाँ पे आएगी ऐसा, ठीक है। और ये लाइट यहाँ पे आएगी ऐसा, और आगे देखोगे ना कहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखोगे मैं इसको ऑन करके रखूँगा, तो लगभग वो यहाँ पे है। तो मैंने इस लाइट को यहाँ पे रख लेना ऐसा, तो मैंने लाइट को यहाँ पे रख दिया ऐसा, और ये जो लाइट आएगी ऊपर से तो ये यहाँ से नॉर्मली ये यहाँ से आएगी नीचे ऐसा, ऐसा करके ये नीचे आएगी यूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको ईज आउट करके रख सकते हो ताकि नीचे स्लोली रुक जाए। तो ये यहाँ से लाइट ऊपर से फास्ट आएगी यूँ, और ये आने के बाद यहाँ पे ये जो है ये भी आ जाएगा। अब जो ये यहाँ पे आएगा ना, जो ये जो करेक्टर है, पहले तो ये जो है इसको मैं डबल कर दूंगा, पहले मैं आपको करेक्टर को दिखा दूंगा, पहले इस करेक्टर को पीछे करूँगा थोड़ा सा, या फिर लाइट को थोड़ा सा आगे कर लूँगा। जो लाइट है इस लाइट को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जो ये करेक्टर है ना, यहाँ से एग्जांपल के रख लो, ये करेक्टर यहाँ से आएगा, लगभग मैंने इतने से रख दिया यहाँ पे, ठीक है। जब ये करेक्टर आएगा तो इसको जब आप नॉर्मल इसको दिखाओगे आते हुए, तो कैसे दिखाओगे, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर इसको यहाँ से इसको बंद करूँगा, आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली, चलो मैं इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखता हूँ क्योंकि नॉर्मली ये आ गया, क्योंकि वैसे भी ये इतना आएगा तो थोड़ा सा मूव करेगा, इतना सा होगा ऐसा, ठीक है। वैसे भी एनिमेशन जो भी है थोड़ा सा आगे तो बात करेगा, इतना मुझे दिखाना नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके इफेक्ट में आके अल्फा करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैं अपना अल्फा करूँगा तो आपको इसके यहाँ पे दिखेगा, पूरे के पूरे रिग भी दिख रहा है। तो मुझे ये नहीं करना है, तो इसको इससे बचने के लिए इसको मैं नॉर्मली रखता हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, एक जुगाड़ लगाऊंगा जो मैं पहले भी सिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं पूरा ऑन किया, जो ये मेरा पीछे बीजी है ना, इसको मुझे कॉपी करना है, इस बीज को कॉपी कर दिया और ऊपर आना, एक नया ले लेना है, और सबको मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आया और मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ जाता है। अब मुझे इसको पूरा नहीं करना, मुझे बस थोड़ा सा मुझे इतना इसको मास्क जैसा लगाना है, तो यानी कि इसके ऊपर रखना है। तो अभी मेरे पास दो बीजी हो गए, सेम बीजी, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे देखो पाँच में एक, छः एक में। तो मुझे इसमें क्या करना है, एक बार मैंने इसको एफेक्ट कर दिया, एक सिंबल बना दिया, पहले दूसरा सिंबल था, अब मैं इसके अंदर चला गया। अब मुझे क्या करना, एक मास्क, एक नॉर्मल, एक छोटा सा जितना है वो उतना दिखाना है, लगभग मुझे इतना दिखाना है, तो इतना मैंने रख कर दिया। ये मास्क बना देना यहाँ पे, मास्क किया इसको, मतलब उतना ही दिखाया, छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट। क्यों, क्योंकि अभी आप देखोगे जो ये पार्ट इतना सा आया है, और मैं सबको ऑन करूँगा यहाँ पे, अभी आपको दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पे वो पार्ट आया है, ठीक है। तो अब वो क्या करना, मुझे जो ये वाला पार्ट आया था यहाँ पे, इसको मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पे लगभग इतना, तो मैंने इतना रख दिया यहाँ पे। अब पर ये याद रखना, जो यहाँ पे मैंने सबको बंद कर दिया, तो इसको दिखाता हूँ,
जो यहाँ पे ये होगा तो इस ये बिट मैप होना चाहिए, पर जो ये नीचे वाला ना वो बिट मैप होना चाहिए, वरना इसका भी चीज़ें दिखेगी। तो वो बिट मैप करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे बिट मैप पहले से, अगर वो पहले से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्वर्ट टू बिट मैप। तो जब वो बिट मैप हो जाएगा तो इस तरह बिट मैप हो जाएगा, आप ब्रेक करके रख लो तो इस तरह उसका भी कोई रिग अंदर होगा तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये ठीक है अभी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको वो बोना नज़र नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे बोना नज़र नहीं आएगा। बिकॉज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक नया इफेक्ट वाले को मैं लॉक करके रखूँगा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ये अलग से डब्बा जैसा ऊपर से आ गया ये वाला, तो इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। अब मुझे अगर मैं बोने को करता तो रिग नज़र आएगा, अब मुझे क्या करना, इसी को मुझे करना, पहले मैंने ये चीज़ सिखाया था, अब मुझे इसी को क्या करना, यहाँ पे आना एफसीस करना है, यहाँ पे क्लासिक ट्विन दी थे किस में, बीजी में, तो पहले मुझे इसको पूरा रखना है और इसके बाद यहाँ पे आके मुझे इसको यहाँ पे नॉर्मली अल्फ़ा कर देना है, अल्फ़ा करने के बाद इसको ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा ना वो इस तरह दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखोगे मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, आपको यहाँ पे रिग नहीं दिखेगा बिकॉज हमने करेक्टर को नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसी को किया है। थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे ये देखोगे खाली ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इफेक्ट को बंद करूँगा आपको दिखाने के लिए किस तरह हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इतना इसको अल्फ़ा कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कोई रिग नहीं दिख रहा, बिकॉज ये अल्फ़ा इसलिए हो रहा है, मतलब थोड़ा सा विजुलाइज मतलब ओके गायब होके ये ऊपर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे खाली बीजी का बीजी प्रॉपर ये गायब हो रहा है, तो वो यहाँ पे रिग दिखने का चांस ही नहीं है। तो इस तरह मैंने काम कर रहा है, आपको मैं बाद में रेंडर मार के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरह ये यहाँ पे आ चुका है, आप चाहो तो यहाँ पे जो ये आपने ये लिया ना जो इफेक्ट है, आप चाहो तो इसको एक बार और एक इफेक्ट यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस यहीं पे कर दोगे, लेकिन इसी पे मत करना बिकॉज यहाँ पे देखोगे ख़राब हो जाता जो आपने ट्विन है। तो मैंने क्या करना, इसको कॉपी तो कर दिया और कॉपी करने के बाद नया ले लिया और मैंने पेस्टिंग प्लेस भी कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ चुका है, बस यहाँ पे उठा के इसको थोड़ा सा आगे ला देना यहाँ पे, तो यहाँ पे ला दोगे तो इस तरह रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद इसको आप मतलब ये ज़्यादा करने के लिए अगर आपको ज़्यादा और भी करना है तो मैंने इस तरह कर दिया, ऐसा नीचे कर दिया थोड़ा सा, ताकि जब ये पीछे से आएगा यूँ तो ये आने के बाद यूँ यहाँ पे इस तरह होगा ऐसा। तो ये यहाँ पे आ चुका है यूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने बस यहाँ पे आप चाहो तो इसको गायब कर सकते हो या आप सीधा F7 कर सकते हो ऐसा, तो वो ऐसा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे इसको F6 किया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आया इसको F6 किया हूँ जो मतलब ऊपर जो इफेक्ट है उसको, और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों इफेक्ट को मैंने यहाँ पे नॉर्मली इसको यहाँ पे अल्फ़ा कर देना, तो ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। जैसे मैं इसको अल्फ़ा करूँगा दोनों को ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने तीनों को यहाँ पे F7 कर देना, तो ये मेरा पूरा यहाँ पे ये सीन बन जाएगा यूँ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इतना सा सीन है छोटा सा लगभग मेरा इतना सा सीन है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे सबको यहाँ पे पीछे कर देना F5 से पीछे होता है, F5 से आगे होता है, तो इतना मेरा सीन बन चुका है। तो यहाँ पे देखोगे कितने तक बना, 62 तक। अब मैं बाहर आऊँगा तो यहाँ पे मुझे 62 तक ही रखना, मतलब उससे आगे नहीं रखना, पीछे ही रखना। तो मैंने इतना कर दिया, जब मैंने इतना कर दिया अभी आप एनिमेशन देखोगे कैसा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अटक के चलेगा बिकॉज मैं आपको बोलता हूँ प्रीमियर जो एडोब एनिमेट में कभी कभी अटक के चलता है, तो आपको क्या करना है जब रेंडर निकालोगे तब वहाँ पे अच्छे से चल पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह बाहर से रोशनी आई, और बाहर से रोशनी आने के बाद ये नीचे आएगी, और इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे ये वो जो जो बौना है जो राक्षस है वो यहाँ पे आएगा। तो आपने देखना वो यहाँ पे आ रहा है, इस तरह वो यहाँ पे आएगा स्लोली, यहाँ पे दिख रहा है किस तरह वो यहाँ पे आया। इसके बाद जो ये लाइट है ये भी गायब हो जाती है, इस तरह आप बना सकते हो, और जो करेक्टर वो यहाँ पे इसको देख रहा है, तो इस तरह है। अब ये आप इसके बाद क्या करना, मैंने जो मैंने यहाँ पे एडमिशन कर दिया आपको दिखा दिया था, यहाँ पे मैं इसको एक एक करके MOV मार देता हूँ। MOV मारने से पहले अगर आप 2022 वाला वर्जन कर रहे हो ना एनिमेट का यूज़, तो वहाँ पे आपको ये सेटिंग करने का शायद जरूरत नहीं होगा पब्लिक सेटिंग, पर मुझे ज़रूरत है, मैं 19 वाला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो ऑडियो स्ट्रीम का जो यहाँ पे सेटिंग है वो बेस्ट, और यहाँ पे 128, और अगर यहाँ पे जो इवेंट है इवेंट को भी सेम कर लोगे ऐसा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है मैं ये कैसे हमेशा करता हूँ, तो मैंने इस तरह कर दिया और यस कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो में जाके यहाँ पे लोकेशन दे देना, लोकेशन में यहाँ पे नॉर्मली डेस्कटॉप पे दे देता हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैंने लोकेशन दे दिया 1 के नाम से, MOV निकल चुका है, और मैंने एक्सपोर्ट कर देना है। जो मैंने यहाँ पे पब्लिश सेटिंग किया ना यहाँ पे वो नॉर्मली अपना जो ऑडियो का बिट रेट था ना उसके लिए किया, वरना वो रोबोटिक टाइप का ऑडियो आता उसके लिए किया, ताकि ऑडियो का बिट रेट अच्छा हो। जैसे हम वीडियो का बिट रेट करने के लिए पहले स्टेज साइज अच्छा करते हैं, अच्छा क्वालिटी का बनाते हैं, तो वीडियो का भी बिट रेट होता है, उसको भी आप हाई करोगे तो आपको MOV को हाई करना होता है, तभी ऑडियो का वीडियो का बिट रेट अच्छा आता है जो आप वीडियो एडिटिंग करते हो वहाँ पे। तो गाइज
इस तरह मैंने ये पूरे के पूरे सीन किया, मैंने जितना भी यहाँ पे बताया आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जब आप कंपाइलिंग करोगे ना, स्टेजिंग करोगे, तब आपको समझ आता है। करेक्टर एनिमेशन सीखने से भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है। फिर आप बोलते रहते हो सर मैं तो 6 महीने से वीडियो देख के सीख रहा हूँ लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है। बिकॉज गाइस जब आप सिंगल सीखते हो ना तो आपको कोई बताने वाला नहीं रहता कितना सीखना और काम करना है चालू। जब आप मेरे स्टूडेंट रहते हो तो आप 24 आवर्स मेरे साथ जुड़ते हो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आपको करना होता है। मैं दूसरे वाले को भी यहाँ पे कर रहा हूँ तो सेम यहाँ पे भी इसको 100% कर दिया, और इसको खाली जब ऑडियो होगा तभी यहाँ पे बेस्ट कर दिया, 128 कर दिया, इसको यस कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको बेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको 128 कर दिया और यस कर दिया, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे भी ओके कर दिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको सेम वही चीज़ करके मुझे लोकेशन देने का जरूरत नहीं है, पहले से लोकेशन हो चुका है। जो मेरा अगला वाला सीन है उस पर तो वॉइस ओवर है ही नहीं, ठीक है, तो उसको मुझे नॉर्मली करना है। तो यहाँ पे एमओवी निकल जाएगा, मैं आपको एमओवी दिखा दूंगा यहाँ पे किस तरह मैंने शॉट बनाया है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई मतलब डाउट रहता तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूबर यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको यही बोलूँगा, वेट करो और जब भी मैं लाइव आऊँगा तब मुझसे डाउट पूछिए। गूगल मीट में आता हूँ, नॉर्मली मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, इंस्टाग्राम में रिप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये एमओवी को, क्योंकि कभी कभी एमओवी काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे देखो 67% हो चुका है। तो तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपको लगता है कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है लेकिन मुझे कितना एडमिशन सीखना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्मल से तरीके से आपको वॉक साइकिल सीखना है, थोड़ा बहुत आपको कंपाइलिंग सीखना है, बात करने वाला सीखना है, उसके बाद आपको थोड़ा छोटा मोटा पोर्टफोलियो बना के जाना है। फ्रेशर से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हो, सीधा ज्वाइन कर सकते हो आप। इससे क्या होगा, आप जॉब भी करोगे और धीरे धीरे सीखोगे। एडमिशन का नाम बहुत बड़ा एडमिशन है, धीरे धीरे सीखते हो आप। कोई वीडियो देख के आदमी चूहा दौड़ के रेस में फंसते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन जब आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तब चूहा दौड़ के रेस में नहीं फंसते हो। अकॉर्डिंग अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप, मेरे अकॉर्डिंग मतलब काम करोगे, तो यहाँ पे एमओवी निकल चुके हैं। अब लास्ट वाला जाता हूँ, यहाँ पे इस वाले सीन को भी निकालता हूँ। यहाँ पे मुझे सेटिंग करने का जरूरत नहीं, पब्लिक सेटिंग, नॉर्मली मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे आने के बाद इसको सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल इसमें मैंने वॉइस ओवर यूज़ नहीं किया तो पब्लिक सेटिंग यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी गाइस जब गूगल मीट में आऊँगा तो ज्वाइन करना, आपका डाउट होगा तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप आगे बढ़े और यूट्यूब में अपना कार्टून स्टोरी बनाओ, पैसे कमाओ, इन्जॉय करो, मज़े करो, पर लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है, माइंड सेट के साथ आगे जाना है। एनिमेशन बहुत बड़ा फील्ड है और मैं यहाँ पे मोस्टली मैं ये बात उनको बताता हूँ जिनको यहाँ पे जॉब करना है, क्योंकि मैं यूट्यूबर बनने की बात नहीं करता हूँ, बाकी आपका मर्जी जो जिसके लिए आप इसको काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना हो चुका है, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 3 MOV निकल चुके, एक एक करके आपको बताता हूँ, बस यहाँ पे पूरा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना भी वीडियो चलाया तो यहाँ पे मैं इसको एक एक करके ऑन करता हूँ। जीजल फिर से अकेली उस कमरे में बैठी सोचने लगती है। अकेली उस कमरे में बैठ, तो यहाँ पे मैंने पहला, ये पहला शॉट है, ये बिल्कुल पहला शॉट है, और इसके बाद ये एमओवी लगा के कॉम्प होता है प्रीमियर प्रो में जाके। पहले प्रीमियर प्रो वाले वीडियो देखना, सारे एमओवी कैसे जुड़ते हैं, बीजीएम कैसे लगता है। तो ये पहला शॉट है, छोटा सा पैनिंग दिया, पीछे देखोगे आग जल रही है, ये आग कहाँ से जल रही है, इफेक्ट का लाइब्रेरी दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके देख लेना। इसको बंद करता हूँ, आपको नेक्स्ट सुनाता हूँ। नेक्स्ट वाला ये है, काश वो बोना राक्षस फिर से मेरी मदद करने आ जाए, तो काश राक्षस फिर से मेरी मदद करने आ। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर बंद करता हूँ। यहाँ पे ये क्लोज शॉट है, तो पहले देखोगे लॉन्ग शॉट था, फिर ये क्लोज शॉट है, क्योंकि दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सा देखोगे पैनिंग के साथ छोटा सा किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग भी रहा है बैठा है, जबकि आपको पता है ये बैठी नहीं है, खड़ी है, तो ये थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब मैं इसको भी हटाता हूँ, जो अगला शॉट दिखाता हूँ जो बिना वॉइस ओवर के है, तो मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मैंने किस तरह इसको मतलब यहाँ पे दिखाया, ऊपर से लाइट आया, नीचे इसको बोने को दिखाया। अगर हम बोनो को ही अल्फा करते तो उसका रिग नज़र आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इससे आपका एनिमेशन का क्वालिटी बहुत बेस्ट आता है और आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं आराम से। एक स्टोरी 15,000 से 20,000 का बनता है, आराम से घर बैठे अच्छा कमाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जिनको काम आता है। जिनको नहीं आता है गाइज, उनका तो आपको पता ही है, उनको तो काम मिलता भी नहीं है। और छोटी छोटी बातें होती है, इसी से आप अच्छा बनते हो। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो, छोटी छोटी बातें होती है उनको सीखो, और कंपाइलिंग वाला वीडियो तो देखो जरूर, चाहे आप कम्बल के नीचे बैठ के देखो, आपको समझ आता है ना कि चीज़ें कैसे कैसे काम किया, उस स्टोरी में कैसे काम किया, उस सीन में कैसे काम किया। तो ये कैसे बाहर से आया, अब आपको पता है कि ऊपर से जैसे आ रहा है नीचे अपेयर हो रहा है, तो कैसे अपेयर हुआ, मतलब कैसे उस तरह हुआ, पीछे जो आग जल रही है खाली इफेक्ट है, बाहर से इस तरह लगाया, ये सब। तो मुझे उम्मीद है गाइस इससे आपको थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी आपने ये वीडियो देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट यही बोलता हूँ, ये मत सोचना मैंने करेक्टर मिशन नहीं सिखाया, पहले पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, करेक्टर मिशन लगभग एक जैसा ही होता है।